आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। इंडोनेशिया 28 अप्रैल से पाम तेल का निर्यात बंद कर रहा है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत पर होगा, क्योंकि भारत अपनी कुल जरूरतों का आधा से अधिक पाम तेल इंडोनेशिया से खरीदता है। इंदौर में मसूर में नीचे दामों पर सीमित पूछपरख निकलने और आवक में कमी के कारण भाव में आशंकित सुधार रहा है। मसूर सुधर कर नीचे में 6625 और ऊपर में 6650 रुपए प्रति क्विंटल बोली गई। इंदौर में नारियल में ग्राहक की बीते सप्ताह बेहद कमजोर देखी गई है। नारियल गर्मी के दिनों में जल्द खराब होने के भय से कई व्यापारियों द्वारा दामों में कटौती कर बिकवाली की जा रही है। पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद इस बार टारगेट से कम रह सकती है। इस बार पंजाब में गेहूं की सरकारी खरीद टारगेट 132 लाख टन है। इसकी वजह एक्सपोर्ट में वृद्धि और घरेलू बाजार में ज्यादा मांग है। विदेशी बाजारों में बड़ी गिरावट के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल समेत घरेलू तेल तिलहन के भाव टूट गए हैं। विदेशी बाजारों में गिरावट के कारण पाम ऑयल सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट आई है। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले पंजाब के किसानों को चालू रबी मार्केटिंग सीजन में एमएसपी पर चने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरे राज्यों के गेहूं किसानों को खुले बाजार में अधिक मूल्य मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार दिल्ली में आने वाले 4 से 5 दिनों तक गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है, क्योंकि मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से लू चलने की चेतावनी भी जारी की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोयले की कमी हो बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में इन राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। राजस्थान में तेज गर्मी के कारण बिजली की खपत बढ़ गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले ब्लैक राइस और काला नमक चावल की देश विदेश में बढ़ती मांग के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जैविक विधि से उपजने वाले मोटे अनाजों से खास विपणन करेगी। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।